डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे इनर्शिया टॉर्क के ऊपर। अब ये पूछिएगा सर, इनर्शिया टॉर्क कहाँ से आ गया? तो जैसा कि आपको हम बताएं, आप यदि हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो और होंगे और होना भी चाहिए, बींग ए मैकेनिकल स्टूडेंट, यदि मैकेनिकल पंडित को आपने जो है नहीं देखा तो फिर मतलब जो है बड़ी दिक्कत है। तो यू शुड व्यू ऑल सच काइंड ऑफ वीडियो। तो यहाँ पे आप देखे होंगे थ्योरी ऑफ मशीन की काफ़ी सारे वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में प्रॉपर सीक्वेंस में है। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर ही एक चैप्टर है इनर्शिया फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, और उसके अंदर इनर्शिया फोर्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है ना, जो है ये इनर्शिया फोर्स से शुरू किए थे और आगे चल करके बहुत सारे आपको मिलेंगे। इवन टर्निंग मोमेंट डायग्राम और जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो सारे फोर्सेस हमने आपको बताए थे, और जो है इसमें डायनामिकल इक्विवेलेंट सिस्टम, करेक्शन कपल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो अब एनीवे, बट इस न्यूमेरिकल को इनर्शिया टॉर्क पे आए तो उसके पहले जस्ट हम आपको बता दें कि आप देखे होंगे हमारे वीडियो, तो लेक्चर नंबर 131 में ये आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा इनर्शिया टॉर्क का, ठीक ना। और ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है ये चीज़ समझिए, ठीक ना। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए, और कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जहाँ भी आप इनर्शिया फोर्स अर्थात जब आप रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट मेंबर्स पे, डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिफरेंट फोर्स लगते हैं, और ये फोर्स को हम कैसे निकाले थे ये आपने देखा था, ठीक है ना। कहाँ पे देखा था? लेक्चर नंबर 128 में। अब उसके बाद इनर्शिया टॉर्क निकाले थे, ठीक है। टॉर्क मतलब इफेक्ट ऑफ द टर्निंग मोमेंट, और ये जो है लेक्चर नंबर 131 है, तो आई थिंक आपको याद होगा क्योंकि इस न्यूमेरिकल को बनाने के पहले ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्टिंग रॉड का ये हमने वेट निकाला था सेंटर पे, ठीक है ना, और ये पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, और कॉन्सेप्ट बताते बताते जो है हमने ये जो है इसका डेराइवेशन किए थे, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉर्क एग्जर्टेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट निकला था, ये इनर्शिया फोर्स निकला था, ठीक है ना। और ये OM क्या है, ठीक है ना। OM बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब आप देखेंगे OM, ठीक है ना, ये OM और ये ON, ठीक है ना, या इवन OC, ठीक है ना। तो जो भी टॉर्क जाएगा, ठीक है ना, ये M जो है सरकमफ्रेंस पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन C जो है सरकमफ्रेंस पे होगा, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक का जॉइंट है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सिर्फ, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम निकाले थे, तो ये OM जो है ज्योमेट्री से जो है हमने निकाला था OM का डिस्टेंस, ठीक है ना, और ON का भी निकाले थे, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व किए थे, और लास्ट में जो है ये आया था हमारा, ठीक है ना, देन सी टोटल टॉर्क एग्जर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स एंड इनर्शिया ऑफ द मूविंग पार्ट्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द, अब T1 TC TW क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो T1 TC और TW, तो लीजिए हम यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं। T1 क्या है? टॉर्क एग्जर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट। TC क्या है? टॉर्क एग्जर्टेड ऑन द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना। और TW क्या है? तो TW ड्यू टू द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ये हमने आपको यहाँ पे TW TC और TI, एक्चुअली I है, T1 लिखें या TI लिखें, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्शिया फोर्स, ये सारे हमने टॉर्क निकाले थे। तो आइए अब इस न्यूमेरिकल पे देखते हैं पहले, ठीक है ना, हम आएंगे न्यूमेरिकल पे, लेकिन सबसे पहले हम देखिए एक बार, आपको पढ़ करके यहाँ लिख दें कि क्या क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। देखिए, ये वर्टिकल इंजन रनिंग एट 1200 RPM, ठीक है ना। तो N आपको दे दिया कितना, 1200 RPM दिया है, तो यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा, 2πN/60, तो 2π × 1200/60, ठीक है ना, ये कितना निकल करके आ जाएगा, 125.57 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। विथ ए स्ट्रोक ऑफ 110 mm,
स्ट्रोक दैट मीन्स डबल ऑफ द क्रैंक, ठीक है ना, ये जो है ओ वन सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ओ वन सी, तो टू टाइम्स ऑफ ओ वन सी इज द स्ट्रोक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रोक होता है ये पूरा, तो आधा क्या हो जाएगा इसका रेडियस। तो एल यदि आपको कितना दिया है यहाँ पे, स्ट्रोक 100 mm, तो स्ट्रोक ऑफ 110 दिया है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका 55 mm, या इसी को मीटर में लिखेंगे तो 0.05 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइए, हैज ए कनेक्टिंग रॉड ऑफ 250 mm, ठीक है ना। अब कनेक्टिंग रॉड का लेंथ स्मॉल एल इंडिकेट करते थे कितना, 250 mm, बिटवीन सेंटर एंड मास 1.25 kg, द मास सेंटर ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज 75 mm फ्रॉम द बिग एंड, ठीक है ना। दैट मीन्स कि एल वन यदि हम यहाँ पे ले लें कितना 75 mm फ्रॉम द बिग एंड सेंटर, एंड व्हेन सस्पेंडेड एज पेंडुलम, ध्यान दीजिएगा अब इसमें कंपाउंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आएगा, व्हेन सस्पेंडेड एज पेंडुलम, ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, सस्पेंडेड एज पेंडुलम, ठीक है ना, फ्रॉम द गजन पिन एक्सिस मेक्स 21 कंप्लीट ऑस्किलेशन, ठीक है ना, मेक्स 21 कंप्लीट ऑस्किलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन जो है ऑस्किलेशन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जो है 21, एंड टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है। अब एक एक पे हम आते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं, देखिए क्या क्या यहाँ पे हमारा निकल रहा है और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से एन तो निकाल सकते हैं आप एल बाई आर, ठीक है ना, ये एन कौन सा है, रेशियो है, और ये एन डैश हम लिख लें तो ये कौन सा है आपका, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन है, तो ये एल बाई आर देन इसकी 250 और डिवाइडेड बाई 55 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये एन यदि आप निकालेंगे कौन सा, फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा निकालेंगे, चूँकि कनेक्टिंग रॉड जो है आपका, कनेक्टिंग रॉड मेकिंग 21 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 21 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यहाँ देखिए 21 कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन, यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन एन इक्वल टू 21 अपॉन कितना हो जाएगा 20, तो 1.05 हर्टज हो जाएगा, 1.05 हर्टज निकल गया आपका ये फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है, ध्यान दीजिएगा यदि आप, तो दिया है कि व्हेन सस्पेंडेड एज पेंडुलम, तो जब कंपाउंड पेंडुलम के तरह जब ये लटका हुआ है, ठीक है ना, ये जब कंपाउंड पेंडुलम के तरह लटका हुआ है तो कंपाउंड पेंडुलम का फार्मूला भी लगेगा, और कंपाउंड पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है अभी अपने को मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला होता है n इक्वल टू 1/2π और ये g इंटू एल वन अपन के जी का स्क्वायर प्लस ये एल वन का स्क्वायर, ठीक है, या यही n को जो है हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4π स्क्वायर और ये जी एल वन अपन के जी का स्क्वायर प्लस एल वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो हर एक चीज़ दिया हुआ है एक्सेप्ट के जी, कहीं यहाँ के जी दिया है क्या, अब देखिए कहीं नहीं दिया है, ठीक ना, एल वन ज़रूर दिया है, देखिए कहीं था एल वन 75 दिया है, ठीक ना। तो अब आपको सब चीज़ निकल जाएगा, ये एन अभी अभी आप निकाले हैं, देखिए कहाँ निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1.05 निकाले हैं कि नहीं, तो हम यहाँ 1.05 का स्क्वायर कर दें इक्वल टू 1/4π² और जी 9.8, एल वन कितना दिया 75 mm था, तो कितना हो जाएगा मीटर में 0.075 अपन के जी का स्क्वायर अब प्लस एल वन 0.075 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब
फोर पाई स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्ट केजी जो है केजी का स्क्वायर जो आएगा, ठीक है, सॉरी केजी का जो वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है ना। और जब साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप निकालेंगे ये केजी जो है आपको 0.094 मीटर में हम निकाल रहे हैं, तो केजी जो है आपका कितना आ गया, 0.094 मीटर आ गया, ये केजी आपका निकल गया। अब कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स मास सेंटर, ये निकल गया हमारा, एक काम हमारा डन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ये केजी जब हम निकाल लिए तो दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, व्हेन द क्रैंक इज एट 40 डिग्री, क्रैंक जो है आपका कितने डिग्री पे है, 40 डिग्री पे, ये कितना हो गया 40 डिग्री, क्रैंक जब आपका 40 डिग्री पे है, टॉप डेड सेंटर, ये टॉप डेड सेंटर दैट मीन्स कि यही है ना टॉप डेड सेंटर आपका, देखिए ये आप ये ऊपर जाएगा तो TDC, नीचे आएगा तो BDC, यहाँ पे देखेंगे तो ये TDC और ये BDC, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 40 डिग्री, ये आप फिगर में देख भी रहे होंगे, ये 40 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, तो थीटा 40 डिग्री दिया है, मांग क्या रहा है एक सेकेंड, तो एंड द पिस्टन इज मूविंग डाउनवर्ड्स, फाइंड एनालिटिकली द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मतलब ये तो बहुत ही सिंपल वाला हो गया, कौन सा, ये देखिए ये है ना एक्सेलरेशन और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 126 में 127 में ये आपको मिल जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन लिखे यहाँ पे, AP यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई एन। ए पी ओमेगा का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 125.57 का स्क्वायर इंटू आर, आर आर ये 55 mm है तो 0.055 मीटर में आ जाएगा। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 40 डिग्री प्लस कॉस टू थीटा है तो 80 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ये एन कौन सा है, ये वाला रेशियो, ठीक है ना, ये रेशियो एन इक्वल टू एल बाई आर 250/55, ये आपका आप निकालेंगे तो 4.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 4.9 ले लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या AP नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से जो AP निकल करके आएगा यू विल गेट हियर 698.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एंगुलर सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन हो गया 698। अब हम लिख दें यहाँ पे AP जो है कितना निकल गया 698.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका क्या निकला अभी एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन निकल गया। अब क्या चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ठीक है ना, नहीं मालूम है तो हम आपको मालूम कराने के पहले जो है ये लेक्चर नंबर 127 का यही है ना एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक है ना, लेकिन इसको हम सॉल्व किए थे तो ये अल्फा PC जो है कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है ना, ये क्या सॉल्व होकर के आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन, क्योंकि सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं या वन को इग्नोर कर देते हैं तो एन स्क्वायर से ये एन क्यू में कटा तो बचा एन। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मालूम है आपको, सब चीज़ मालूम है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना, ओमेगा का वैल्यू कितना है 125.57 का स्क्वायर, और साइन थीटा, साइन थीटा कहे तो कहाँ पे है साइन 40 डिग्री, भूल जाते हैं हम भी, और एन कितना है, एन कितना है, एन अभी तो निकाले थे ये 4.9, तो इसको अल्फा PC जब सॉल्व करेंगे तो अब फिर हम बता रहे हैं कि अब यहाँ तो सॉल्व करेंगे नहीं, ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना ही चाहिए, और मेरे पास है ये, हम सॉल्व किए हैं तो ये हमारा आ गया है 2234.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस तो रहेगा ही रहेगा,
ठीक है ना, तो ये अल्फा पी सी आ गया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख भी देते हैं कहीं पे, क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ेगा। ए पी और अल्फा पी सी जब आप निकाले तो कितना आ गया, माइनस 2234.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं डाउट सर, अब आगे आप बताइए सर। तो बिल्कुल सर बैठे ही हैं अभी, क्योंकि आगे तो अभी हम पढ़े ही नहीं हैं। हैंस फाइंड द इनर्सिया टॉर्क, अब आ गई बात इनर्सिया टॉर्क, ठीक है ना। अब इनर्सिया टॉर्क आया तो इनर्सिया टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं होगा तो आपसे निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बोलिएगा सर इनर्सिया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनर्सिया टॉर्क पढ़ाए थे, ठीक है ना, और इनर्सिया टॉर्क का फॉर्मूला भी हम बताए थे, ठीक है ना। इनर्सिया टॉर्क का फाइनल फार्मूला जो है ये आया था, टी डब्ल्यू, ये टी आई, टी सी, टी डब्ल्यू, ये सब निकाले थे। तो अभी जो है आप जब देखेंगे लेक्चर नंबर 131 तो आएगा उसमें, लेकिन उसके पहले जो है हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनर्सिया टॉर्क जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ निकाल रहे हैं इनर्सिया टॉर्क के लिए, इनर्सिया टॉर्क एग्जर्टेड ऑन दी क्रैंक शाफ्ट, ऑन दी क्रैंक शाफ्ट। अब क्रैंक शाफ्ट मतलब क्या, यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम ये जाने कि यहाँ मास कितना लोकेटेड है, फिर इनर्सिया फोर्स कितना है, वर्टिकल इनर्सिया फोर्स, ठीक है ना, फिर कितना टॉर्क है, ये सब हम यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे इधर कहीं पे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ तो हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ कुछ निकाले हुए हैं और अभी कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालें मास, क्या लिखा निकाल सकते हैं, मास, मास ऑफ द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कहाँ पे, एट पॉइंट पी, ठीक है ना, एट पॉइंट एट पी, तो इसको हम मान लेते हैं एम वन, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या था अपना, टोटल मास एम सी इंटू एल माइनस एल वन अपन एल, ठीक है ना। इसको आप रख दीजिए, एम सी कहीं दिया हुआ था, एम सी कितना दिया हुआ है, ये 1.25 केजी, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1.25 केजी, और L कितना है आपका, L भी दिया हुआ है 250 माइनस L1 75 दिया हुआ था, 75, तो 75 और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 250, तो इससे जब आप निकालेंगे तो M1 आपका निकलेगा 0.375 केजी, ये याद रखना है। तो ये M1 निकल गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे हम, 375 केजी निकल गया, एक एम वन निकल गया। तो हम वर्टिकल इनर्सिया फोर्स निकाल दें, ठीक है ना, क्या निकल जाएगा, वर्टिकल इनर्सिया फोर्स, वर्टिकल इनर्सिया फोर्स निकल देंगे, क्या होता है, एफ आई इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एम वन इंटू ए पी, मास एम वन 0.375 और ए पी अभी अभी आप कहीं निकाले हैं, देखिए 698, ठीक है ना, 698.7, ये एफ आई आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये आ जाएगा आपका 262 न्यूटन, ठीक है। तो ये इनर्सिया फोर्स निकल गया आपका, ठीक है ना। अब इनर्सिया फोर्स निकल गया तो कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क कितना निकलेगा, ठीक है ना, तो यही इनर्सिया फोर्स जा रहा है ना, इनर्सिया फोर्स, और टॉर्क कितना, ओ इंटू एम। अब ये ओ एम जो है हम आपको निकाले हुए हैं, जब हम इनर्सिया फोर्स पढ़ाए थे, ठीक है ना, ये ओ एम का फार्मूला आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है ना। इस ओ एम का फार्मूला जो है ज्योमेट्रिकली निकाले थे, तो ये ओ एम हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओ एम टी वन इक्वल टू क्या होगा, ये एफ आई इंटू ओ एम, ठीक है ना। ओ एम जो है इस जो है दो तरीका है, या तो आप जो है यदि सूटेबल स्केल लेकर के इसको बनाते हैं,
ठीक है। तो आप ज्योमेट्रिकली इसको मेजर करके निकाल सकते हैं स्केल ले करके, या एनालिटिकल मेथड तो हमारे पास है ही, ओ एम इक्वल टू आर साइन थीटा, लीजिए हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ओ एम इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें आप एन स्क्वायर के कंपेयर में साइन स्क्वायर थीटा इग्नोर कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आर आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे हम ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं क्या नहीं है और क्या है। आर मालूम है अपने को कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गायब हो गया, यही तो है आर, 0.55 साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 40 डिग्री, देखिए 40 डिग्री, इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि बीच में कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हो गया क्वेश्चन में। तो ये साइन 40 डिग्री, फिर ये साइन 80 डिग्री, एन स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, एल बाई आर कितना 4.9, ये एन का वैल्यू निकाले हैं, इसको जब आप रखेंगे यू विल गेट हियर ओ एम इक्वल टू 0.042 मीटर, 42 mm निकल रहा है, तो 0.042 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम टॉर्क नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इनर्शिया टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, माइनस एफ आई इंटू ओ एम, यहाँ लिखे हैं एफ आई, अभी आप निकाले हैं कहीं पे, कहाँ निकाले हैं, देखिए एफ आई 262 कितना निकलेगा, 262 और ओ एम 0.042, इसको आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11.135 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका टी जो है आई आ गया कितना, 11.135 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका इनर्शिया टॉर्क, ठीक है ना। अब नाउ कम टू फाइंड द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, जो भी आपका सिंपल पेंडुलम है, इसको सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, हम नहीं बोल रहे हैं, सस्पेंडेड एज पेंडुलम, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये पेंडुलम की तरह, ठीक है। तो अब वह कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट लेंथ जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन स्विंग्स, व्हेन इट स्विंग मतलब ऐसे ऐसे, ये ऐसे है तो ऐसे ऐसे करेगा, तो व्हेन स्विंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग, किसके अबाउट कर रहा है, यही पी पॉइंट के अबाउट, पासिंग थ्रो या अबाउट पॉइंट, इसे हम लिख देते हैं पॉइंट पी के अबाउट, ठीक है ना। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, के जी का स्क्वायर प्लस एल वन का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, एल वन, ठीक है ना। तो ये के जी का वैल्यू निकाले हैं कहीं, देखिए यही 0.094, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, ये 0.094 का स्क्वायर, और ये L1 कितना दिया हुआ है आपको, सेवन, ये दिया हुआ था कहीं आप पर निकाले हैं, ये L1 दिया हुआ है कहीं निकाले हैं, ये 75 और L1 निकालना पड़ेगा आपको। ये टोटल लेंथ जो है, ध्यान दीजिए, टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ जो है आपको कितना दिया था, 250 दिया हुआ है, और इसमें 250 टोटल लेंथ है कनेक्टिंग रॉड वाला, ठीक है ना, यही है ना 250, और इसमें 75 L1 दिया हुआ है 75, तो 250 माइनस 75 कितना होगा, 250 इसमें आप निकालेंगे क्या, L1, ठीक है ना, तो ये 250 और माइनस 75 कितना हो जाएगा, 175, ये क्या हो जाएगा, 175 mm में है, तो मीटर में लेंगे तो 0.175 का स्क्वायर अपन 0.175 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये L कितना निकल करके आ जाएगा, क्योंकि मीटर में आ रहा है, तो मीटर में ये आपका आ जाएगा 0.225 मीटर,
ठीक है ना। तो ये एल आ गया आपको, ठीक है ना। यहाँ जब एल आ गया तब आप क्या निकाल सकते हैं, करेक्शन कपल, ठीक है ना, करेक्शन कपल। अब करेक्शन कपल कैसे निकालते हैं, अब ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। करेक्शन कपल का फार्मूला आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये भी फार्मूला जो है आपको बता दें, यही है अपना करेक्शन कपल का फार्मूला, यही है ना करेक्शन कपल, एम के वन स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्शन कपल, आपको याद होगा इसको हम टी डैश से इंडिकेट करते थे, और ये माइनस एम और सी लेंगे क्योंकि यहाँ पे एम सी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आप ध्यान देंगे तो ये एम सी है, ठीक है ना, या एम जो भी आप लिखें, यहाँ एम सी मतलब कि मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना, एम सी। और ये क्या हो जाएगा, एल वन इंटू एल माइनस एल और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये देखिए एम सी अभी आप देखिए कितना दिया हुआ था, 1.25 केजी, तो माइनस तो रहेगा ही 1.25। ये एल वन आपको अभी निकाले हैं 175, ठीक है ना, देखिए यही है ना, तो 0.175। और ये स्मॉल एल 250 mm, दैट मीन्स कि 0.25 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और माइनस ये कैपिटल एल, ठीक है ना, कितना निकला था 225, देखिए यहाँ पे यही निकला ना 225, तो 0.225, ठीक है ना। और इनटू इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आप निकाल करके कहीं रखे हैं, इसीलिए आप भी कहीं निकालते हैं तो इसको निकाल करके मेन पेपर पे लिख लीजिए। देखिए 2234 माइनस 2234, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2234, ठीक है ना। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये टी डैश आप निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, करेक्शन कपल, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये देखिए 0.25 है और ये 0.225 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका ये भी प्लस आएगा, ठीक है ना, ये भी प्लस आएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 12.22 न्यूटन मीटर। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये अल्फा सी निगेटिव में ही लेते हैं तो ये तो यहीं पे आ जाएगा प्लस, तो ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है ना, टी डैश, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये तो करेक्शन कपल निकल गया, जैसे करेक्शन कपल निकलेगा वैसे तुरंत आप कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है ना, क्रैंक शाफ्ट में आपको ये टी सी, टी सी कैसे निकलता है, टी डैश कॉस थीटा अपन एन। ये टी डैश मालूम है, चल गया आपको, माइनस 12.22 और कॉस 40 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 40 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लें, ये 40 डिग्री देखिए दिया हुआ है अपन एन। और एन अभी निकाले थे कहीं पे, एन 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 कितना दिया है, एन अभी निकाले हैं कहीं पे, ये है एन 4.9, ठीक है ना, ये 4.9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट जो निकल करके आएगा, दैट विल कम अराउंड माइनस, माइनस में है तो 2.06 न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का कोई सेंस नहीं है, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ है, हम क्लॉकवाइज मान करके चले थे, ये माइनस आ गया तो 2.06 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ये क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब टॉर्क, ये ड्यू टू टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट था, अब टॉर्क किसके चलते आएगा, पी के चलते, मास जो यहाँ पे भी तो मास हम निकाले थे अभी, ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉर्क, यही तो टॉर्क निकालने के लिए ओ एम हम अभी निकाले थे, ओ एम निकालने की ज़रूरत भी वहीं पे पड़ेगी आपको जहाँ पे इसका ओ आएगा, ठीक है ना, जो इसका करेक्शन कपल निकालेंगे आप, सॉरी करेक्शन कपल निकालने में भी ओ एम की ज़रूरत है, और इनर्सिया टॉर्क, ठीक है ना, तो वहाँ पे अब हम निकाल सकते हैं,
क्या निकालेंगे, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू मास पी, जो मास एट पी जो है इसके चलते ये जो आपके आगे पीछे जाएगा रेसिप्रोकेट करेगा, इसलिए तो इसका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स जो है चल रहा है अपना। तो टॉर्क ड्यू टू दिस रेसिप्रोकेटिंग मास टी पी कितना आ जाएगा, एम वन इंटू एम वन, मतलब जो पी पॉइंट पे मास है और ये हम निकाले हैं देखिए यहाँ पे, तो एम वन इंटू जी ठीक ना इंटू ओ एम, और ओ एम भी कहीं पे हम निकाले हैं आपके लिए, छोड़े नहीं हैं कुछ भी ठीक ना, तो ये ओ एम भी हम निकाले हैं कहीं पे ठीक ना, ओ एम जो है कहीं पे निकाले थे, ओ एम एनालिटिकल मेथड से हम निकाले थे ठीक ना, बट एनीवे आपको ओ एम देखिए कहीं पे ज़रूरत तो आया था शायद, क्योंकि तो बिना ओ एम का ये निकलेगा नहीं, और ओ एम निकालने के लिए एनालिटिकल मेथड से हमने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं ठीक ना। चलिए नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ओ एम का जो है ये फार्मूला था एनालिटिकली निकालने के लिए ठीक ना, और ज्योमेट्रिकली यदि आप सुटेबल स्केल से निकालते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ सुटेबल स्केल भी आप ओ एम मेजर करके निकाल सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम वन मालूम है, एम वन कितना है आपका ये 0.375 केजी आप निकाले हैं, ओ एम ये देखिए एम वन 0.375 केजी, जी 9.8, और ओ एम जब आप निकालेंगे तो ये ओ एम देखिए ओ एम यहाँ पे ये टी आई निकालने के लिए ओ एम की ज़रूरत पड़ी थी, ये एफ आई इंटू ओ एम, क्योंकि उसके बिना निकलेगा ही नहीं ठीक है ना, ओ एम के बिना निकलेगा ही नहीं ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए ओ एम, तो ये ओ एम हम अभी निकाले थे ठीक है ना, इस फॉर्मूला में रख करके ठीक है ना, तो ये आपका आया था 42 mm, ये जो है 42 mm आया था, तो इसको हम लेंगे 42 mm है तो इसको मीटर में रखेंगे तो 0.0425 आ जाएगा, और ये टी पी आप सॉल्व करेंगे तो 0.156 न्यूटन मीटर, ये प्लस आया है तो क्लॉक वाइज हो जाएगा ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा क्लॉक वाइज हो जाएगा। अब ये सब निकालने के बाद ये तो टी पी निकाल लिए, अब मास एट दी ठीक है ना, मास एट मास इक्विवेलेंट मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एट जो है अनदर एंड, मतलब ये सी पे एक एंड का पी का आप निकाले थे अभी एम वन ठीक है ना, और एम वन पे अभी तक क्या क्या निकाल लिए हम लोग एक जगह लिख लेते हैं दोस्त ठीक है ना। ये देखिए करेक्शन कपल निकाले हम ये फार्मूला से, तो -12.22 और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग टर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट निकाले टी सी 2.06, ये टी सी 2.06, और टॉर्क ड्यू टू मास पी निकाले कितना 0.156, टी पी 0.156, और यहाँ ओ एम निकाले हैं ये लेंथ एनालिटिकली हम निकाले हैं, इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं तो एनालिटिकली निकाले हैं, तो ये हमारा आया था 42 mm ठीक ना, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए मास इक्विवेलेंट मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड एट सी इस पॉइंट पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे यदि हम एम वन लिए थे, यहाँ यदि हम एम वन लिए थे तो यहाँ पे एम टू ले लें, इससे एम टू निकालेंगे तो एम सी इंटू एल वन अपन एल, यही फार्मूला है ठीक ना, एम वन भी इसी तरह से निकाले थे ठीक ना। तो अब यहाँ पे एम सी कितना है, टोटल कनेक्टिंग रॉड का मास दिया हुआ है 1.25 केजी, और एल वन भी आपको दिया हुआ है 0.175, ये निकाले थे 250 - 75 किए थे तो 175 आ गया था, और अपन एल टोटल लेंथ 250 mm, दैट मीन्स की 0.25 ठीक ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 0.875 केजी ठीक ना,
ये आपका निकल गया क्या m2, ठीक है ना। और जब m2 निकल गया तो टॉर्क ड्यू टू मास एट c, अब लास्ट यही पॉइंट बचा है, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, टॉर्क ड्यू टू मास एट c, टॉर्क ड्यू टू मास एट c जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये टी डब्लू क्या हो जाएगा, m2 इंटू जी इंटू एन सी, यही लेंथ होगा ना, तो एन सी, ठीक है ना। अब एन सी भी जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, ये ओ एम, ठीक है ना, और एन सी, दैट मीन्स कि ये लेंथ आप निकाल लें ओ एन, ठीक है ना, और ओ एन निकल जाएगा, ये रेडियस आपको मालूम है, तो क्या आप ओ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एन सी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइदर आप विद दी हेल्प ऑफ जो है ग्राफिकली मेथड से आप निकाल लें, या ये रेडियस मालूम है आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड पे है, सॉरी यहाँ पे है सरकमफ्रेंस पे, तो ये निकाल सकते हैं आप एन सी, ठीक है ना। एन सी हम जस्ट रफ में बता देते हैं, आप फेयर में नहीं बताएंगे आपको, ये एन सी निकालने के लिए, ठीक है ना, ओ ट्रेंगल ले लीजिए ओ एन सी, ठीक है ना, ये ट्रेंगल आपका ओ हो गया, और ये एन हो गया, ओ हो गया, और ये सी हो गया, और ओ सी, ओ सी आपका रेडियस ऑफ द क्रैंक आर, और आर ये कितना दिया हुआ है आपको, स्मॉल आर जो है हमारा, ये निकल करके आया था 55 डिवाइडेड बाय 2, 55 mm निकल करके आया था, 55 mm, क्योंकि स्ट्रोक दिया था आपको कितना 110 mm, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 55 mm, तो 55 mm मतलब 0.05, और ये एंगल जो है आपका कितना है यहाँ पे 40 degree, तो ये एन सी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एन सी कितना हो जाएगा आपका, ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, तो आर साइन 40 degree, यही तो होगा आर साइन 40 degree, तो यहाँ पे एन सी आप निकालेंगे, तो इस तरह से एन सी जो आपका निकल करके आएगा, दैट विल कम अराउंड 35 mm आ जाएगा, 35 mm, दैट मीन्स 0.035 meter में आ जाएगा, ठीक है ना। 0.035 रखते हैं यहाँ पे, और m2 अभी निकाले हैं 0.875 × 9.8 × NC 0.035, तो यहाँ से आप TW सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0.3 newton meter, ठीक है। तो ये TW आ गया, दैट मीन्स कि TW कितना आ गया आपका 0.3 newton meter, ठीक है ना। अब यहाँ क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे सारे तरह के टॉर्क निकल गए, ठीक है ना। क्या निकल गया, एक तो इनर्सिया टॉर्क निकल गया, ठीक है ना, टॉर्क, ठीक है ना, टीसी, ठीक है ना, टीसी अर्थात जो करेक्शन कपल के जो उससे निकला था हमारा कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो निकल रहा था क्या कपल, ठीक है ना, टीसी करस्पॉन्डिंग टॉर्क ऑन दी क्रैंकशाफ्ट टीसी निकल गया है हमारा, ठीक है ना। टीपी टॉर्क ड्यू टू दी मास पी एंड टॉर्क ड्यू टू दी मास एट सी, ये सब निकाल लिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इनर्सिया टॉर्क क्या निकालेंगे, इनर्सिया टॉर्क एग्जर्टेड, अब ये फाइनल टोटल निकाल रहे हैं, एग्जर्टेड ऑन दी क्रैंक शाफ्ट, ऑन दी क्रैंक शाफ्ट क्या हो जाएगा, ये T1 अर्थात TI है एक्चुअली, TI इनर्सिया टॉर्क प्लस TC, ये जो क्रैंक शाफ्ट पे लग रहा है TC, माइनस क्या हो जाएगा TP माइनस TW, ठीक है ना, एग्जर्टेड ऑन दी क्रैंकशाफ्ट, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए ये TP एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से ये प्लस और माइनस आप कर सकते हैं, सबका वैल्यू रखेंगे आप, इसका कितना वैल्यू रखेंगे 11.135 प्लस TC 2.06 माइनस TP 0.156 माइनस TW 0.3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल इनर्सिया जो है टॉर्क
आएगा यहाँ पे आपका 12.73 न्यूटन मीटर, और ये क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिए हैं, क्लॉकवाइज को माइनस लिए हैं, तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से आप देखें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी इसलिए था क्योंकि इसमें सब कुछ पूछ दिया था। इतना लंबा क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, शॉर्ट करके ही पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ था निकालने के लिए कि सिंपल, जब चूँकि कंपाउंड पेंडुलम का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है ये, ठीक है ना, और कंपाउंड पेंडुलम के साथ ही यूज करने के बाद जो है ये आपको कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया नहीं है, टोटल लेंथ दिया है, ठीक है ना, उसके बाद आपको स्ट्रोक भी दिया है, ठीक है ना, थीटा भी दिया है, तो कुल मिला करके ये इनर्शिया फोर्स निकाले जो है, पहले तो हम इधर निकाल लिए हैं केजी, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट से, फिर लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाले थे, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया, लीनियर एक्सेलरेशन निकल गया, तो इसके हेल्प से हम इनर्शिया फोर्स निकाल लिए थे, इनर्शिया टॉर्क निकाले हैं, फिर करेक्शन कपल निकाले हैं, और करेक्शन कपल निकालने के बाद टॉर्क ऑन दी क्रैंकशाफ्ट, फिर टॉर्क ऑन दी क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू मास पी, एंड टॉर्क ऑन दी क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू दी मास एट सी। अब इसके लिए मास भी तो निकालना है, इसलिए ये लेंदी गया है, तो ये जो है, और फाइनल हम जो है यह एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को माइनस लेकर के सॉल्व किया है, तो फाइनल टॉर्क ये हमारा निकला है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है। तो इस न्यूमेरिकल को आप एक बार खुद से बनाइएगा, और फिर हम लोग जो है एक नए न्यूमेरिकल के साथ या नए थ्योरी के साथ आएंगे हम आपके लिए, और जो है इसको सॉल्व कीजिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छा इंजीनियर बनिए, अच्छा इंजीनियर से पहले एक अच्छा इंसान भी बनना है, इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। और ये चैनल आपका अपना प्यारा सा चैनल है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट दिस चैनल, टू शेयर दिज ऑल वीडियो टू योर क्लासमेट, कर भला तो हो भला, तो दूसरे का भी भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं डाउट आता है तो लेट मी नो, अर्थात कमेंट बॉक्स में कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स जो भी है आप लिख सकते हैं, जरूर लिखिए। थैंक यू, मस्त रहिए, दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में।